हाय फ्रेंड्स आज फिर से आंटी आ गई है आप लोग के लिए एक नया ब्लॉग लेके आज ब्लॉग का जो सब्जेक्ट है वो रहेगा पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी क्या रहेगा पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी और एक और रहेगा साथ में दूसरा टॉपिक भी गुड हैबिट्स ठीक है तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ठीक तो देखे क्या क्या पार्ट है देखो एक तो भैया खड़े है ना अभी हम लोग देखते हैं ये देखो ब्लैक क्या है हेयर ये दिखा रहा क्या है आईज और ये क्या है हैंड्स ये देखो फिंगर दिखा रहा फाइव फिंगर एक हाथ में फाइव फिंगर दूसरे हाथ में और ये क्या है लेग्स और ये लेग्स के नीचे यहाँ सॉक्स और शूज पहनते हो ना यहां से डालते हैं ना सॉक्स ये क्या है यहाँ से लंबा जो एक तो फिंगर ये क्या है टोस क्या है टोस देखिए फिर से देखते हैं हम ये है हेयर ब्लैक ये देखो ब्लैक ब्लैक दो बॉल दिख रहा है आईज हैंड्स ठीक है फिंगर्स लेग्स एंड टोस दो हैंड है हमारा एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड दो आइज राइट आइज लेफ्ट आइज दो ईयर दो लेग राइट लेग लेफ्ट लेग टोज ठीक है अभी नेक्स्ट में जाते हैं अभी गुड हैबिट हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये टॉपिक का सब्जेक्ट था अब हम बॉडी पार्ट्स पहले पढ़ेंगे ठीक है ये देखो खड़ी है ना पिंकी इसका नाम हमने दे दिया पिंकी पिंकी बोले वाओ आज हम लोग बॉडी पार्ट पढ़ेंगे ये तो कोई गोल 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 गाय बना लिया और हंसने लगे कि अरे आज हम लोग बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे हमको यही पढ़ना था चलो स्टार्ट कर दे ये क्या दिखा रहा है हेड और ये क्या है ईयर कान ये हेड ये ईयर कान और ये क्या है माउथ जो खुला है ना हंसी है तो देखो मुंह खुल गया वो क्या है माउथ ये देखो हैंड हैंड कैसे फैला लिया सारे फिंगर्स इसने वन टू थ्री फोर फाइव फिंगर दिख रहा है ना ये क्या है आर्म्स ये हाथ हो गया ये क्या है लेग देखो लंबा लंबा दो लेग ये लेग हो गया ये फूट ये फूट है है ना इसी में हम लोग इसके अंदर चलते हैं दौड़ते हैं भागते हैं ठीक ये हैंड ये आर्म ये हैंड ये देखो सफेद सफेद दांत है वाइट, वाइट वाइट टीथ ये क्या है टीथ अच्छे से ब्रश करती है पिंकी है ना वाइट वाइट टीथ हो गया उसका देखो वाइट टीथ है एकदम ये क्या है नोज छुटकू नोज दिख रहा है हम लोग आगे और दिखेंगे देखो तो आईज बड़ा बड़ा कर लिए गुस्सा हुई क्या ये है आईज गोल गोल चलो आगे बढ़ते ठीक है पिंकी जब दिखा रही बॉडी पार्ट्स तो ये भैया बोल रहा है भाई हम भी आंटी हमको भी दिखाओ हम भी बताएंगे बॉडी पार्ट्स ठीक है भाई चलो बताओ ये भैया का ये देखो क्या हो गया हेड ये आई ये देखो आई दिख रहा है इधर हेड में एक तो मुंह बना दिया क्योंकि ये छोटा सा इमेज है ना इसमें उतना क्लियर नहीं आ रहा है इसलिए अलग से भैया के चारों तरफ राउंड 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 बॉल बना दिया उसके अंदर इमेज और फिर ये क्या है ईयर ये नोज ये चुटकी नोज ये हमें बड़ा दिख रहा है और फिर ये क्या दिख रहा है हैं। ये क्या दिख रहा है थाई ये जो देखो भैया जो अंडरवेयर पहने उसके नीचे जो मोटा मोटा ये नहीं ये है थाई ठीक है ये क्या है लेग ये लेग हो गया हाँ, लेग हो गया ये फिंगर ये देखो तो फिंगर यहाँ बड़ा करके पिक्चर दे दिया ये माउथ <coughs> अरे माउथ तो एकदम लेडीज जैसा दिख रहा है लग रहा लिपस्टिक लगा क्या भैया ये आईब्रोज हमारे आँख के ऊपर आता है ना वो किसको क्या बोलते हैं आई ठीक आप नेक्स्ट जाते हैं ये बोल रहे बाबा आंटी आज क्या कर रही है हमारा दिमाग तो एकदम कैसा हो रहा है हम कैसे याद रखेंगे आंटी ये बोल रहे हैं खरगोश को बोल रहे तुमको पता है आंटी क्या कैसा पढ़ाई अभी नहीं वही हम याद कर रहे हैं आज आज क्या पढ़ा रही देखते हैं ये बोल रहे हूँ मैं भी सोच रही हूँ आंटी बॉडी पार्ट्स पढ़ा रहे नाम थोड़ा मैं भूल रही हूँ हाँ 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 याद आया याद आया देखो बल्ब चला ये बोले मैं बताओ मैं बताओ मुझे याद आ गया मुझे याद आ गया हाँ 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 ये देखो रिंकी पिंकी चिंकी तीनों खड़े हैं रिंकी पिंकी चिंकी ये देखो ये बोले याद आ गया ना रिंकी चिंकी को अरे देखो आईब्रो है ये नोज है ये हेयर है ये आईज है आई एक बना है ना कान माउथ हस ये तो हा हा, हा, हा करके ये लेग लेग दिखाता है लेग दिखा रहा देखो ना को ये टीथ व्हाइट व्हाइट टीथ अच्छे से ब्रश करते हैं टीथ ना अभी हमको टीथ का हम थोड़ा आप लोग पोयम भी बताएंगे ठीक है ये आम हाथ ये टंग जीप दिखा रहा है जीप दिखा रहा टंग ये हैंड देखो हैंड में फिंगर भी दिख रहा फाइव वन टू थ्री फोर फाइव हम इस फिंगर का नाम भी आगे आप लोग को बताएंगे कितने टीथ होते हैं वो भी आपको बताएंगे ये है फुट इससे हम लोग क्या करते हैं चलते हैं दौड़ते हैं भागते हैं और ये क्या है चेस्ट ये चेस्ट जब कपड़े का नाप लेते हैं ना टेलर तो चेस्ट का भी मेजरमेंट होता है ना कि कितना चौड़ा इनका शर्ट का रखना है या फ्रॉक का रखना है जिसे इसको ठीक से फिट हो ढीला ना हो जाए टाइट ना हो जाए तो चेस्ट का भी मेजरमेंट होता है ठीक है ये है चेस्ट ओके रिपीट करें आईब्रो नोज हेयर आई ईयर माउथ लेग टीथ आर्म टंग हैंड फूट एंड चेस्ट ठीक आगे बढ़ते ये देखो टीथ दिखा रहा है कितना टीथ है हमने टीथ्स थर्टी टू अच्छे से ब्रश नहीं करने से कैसे हो जाएंगे ये देखो फुगला हो जाएंगे गेट बन जाएगा तो अच्छे से ब्रश करना वैसे बचपन में जो टीत आता है हमारे बर्थ के बाद उसके बाद सात आठ साल बाद हमारे टीथ जो है मिल्क टीथ जो है वो निकल जाता है उसके जगह नया टीथ आता है नया टीथ आने के लिए अच्छे से खाना चाहिए दूध पीना चाहिए फल जो भी मम्मी पापा ला के देते हैं फल खाना चाहिए वेजिटेबल्स खाना चाहिए तभी टीथ जो है अच्छा मजबूत टीथ निकलता है और अच्छे से खाना खाने के बाद ब्रश करो कुल्ला करके पूरा मुंह साफ करो ठीक है चलो आगे बढ़ते ये है फिंगर अभी हम वहाँ पे फिंगर आपको बताए थे ना आगे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या देखें ये फिंगर बताते ना हैंड में वन टू तो, थ्री फोर फाइव आप कौन सी फिंगर को ये देखो फिंगर बता रहे ना ये आप कौन से फिंगर को क्या बोलते हैं क्या नाम से बुलाते हैं अब हम देखते थे दे, फिंगर नेम्स ये देखो दीदी बता रहे आओ आओ हम तुमको फिंगर नेम्स बताए ये देखो ये फिंगर बनाए हैं और ये एक तो मैडम है पढ़ा रहे इतने सारे बच्चे सब बैठे हैं यहाँ पर ये और ये फिंगर है ये है थम ये है इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर रिंग फिंगर और इसका नाम दिया है पिंकी वैसे इसको स्मॉल फिंगर बोलते हैं ये फिंगर फैमिली है कितने फिंगर है हमारे टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कितने फिंगर है हाउ मनी फिंगर्स टेन राइट हैंड में फाइव लेफ्ट हैंड में फाइव टोटल टेन नेक्स्ट में जाते हैं अभी वट कैन यू डू विथ योर बॉडी पार्ट जो हमारे जो अभी हमने पढ़ा है ना आपको आइस ईयर टंग नोज और ये है अब इससे हमारा हम क्या करते हैं क्या महसूस करते हैं क्या फील करते हैं ये देखेंगे फर्स्ट है आइस आइस का क्या काम है देखना लुक आइस का क्या काम क्या है देखना लुक और कान ये जो दो कान बना है ना इनका काम क्या है लिसन मतलब सुनना और ये देखो छुटकू नाक पिंकी का छुटकू नाक देखे इसका काम है स्मेल लेना सुगंध लेना महक लेना ठीक है जैसे परफ्यूम खोलते तो महक आता ना अरे तो कितना अच्छा कितना अच्छा इसका स्मेल है और कुछ गंदा होता है वो बेड्स में ऐसा करते हैं ना तो ये कैसे पता चलता है नोस से स्मेल से दूसरा है यहाँ देखो टंग टंग क्या बताता है टेस्ट जैसे आपको कुछ खाने के लिए फूड देते हैं जो मिठाई है स्वीट्स मिलता तो आपके बोलता है कितना मीठा है कितना टेस्टी है और कुछ मम्मी ने कुछ फूड दिया आपको जैसे दाल दिया सब्जी दिया उसमें नमक ज़्यादा हो जाता क्योंकि तो बोलते मम्मी नहीं खाएंगे इसमें नमक बहुत ज़्यादा है तो कैसे पता चलता टेस्ट से टेस्ट कौन बताता है टंग कौन बताता देखो जेब दिखा रही है टंग यह है टच ये फिंगर क्या करते हैं टच करके बताते जैसे सपोज करो हाइड एंड से खेलते ना आँख बांध देते खेलते हो ना तो फिर आप टच करके बता दे ना बताओ ये कौन है तुम्हारे सामने कुछ दे दिया लकड़ी का टुकड़ा कोई फूल कोई फ्रूट्स तुम उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे टच करके छू के तो ये कैसे पता करते किसके द्वारा फिंगर ये हैंड ये देखो दोनों हैंड फैलाई पिंक किया करके ये टच चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट है फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं ये देखो पिंकी ने बताया हमने बोले ना पिंकी जब बताएगी ना तो ये भी बोलेगा मुझे भी बताना आंटी मुझे भी बताना इसलिए इसको भी लिया गया है ये भी बोल रहा देखो मेरे पास गोल गोल आँख है इससे मैं देखता हूँ ये मेरा कान है इससे मैं सुनता हूँ ये लुक लिसन ये मेरा नोज है मेरा नोज थोड़ा सा बड़ा है ये देखो स्मेल इससे हम स्मेल लेते हैं बैड स्मेल गुड स्मेल ठीक है और ये टंग दिखा रहा मुँह खोल के छोटा सा मुँह खोला ये तो ये देखो टंग इसका ऐसा निकला इससे ये टेस्ट बताता है मीठा है खट्टा है तीखा है नमकीन है ये सब ये जीप से बताता है टेस्ट और हैंड फैलाया ये देखो वाओ करके हैंड फैलाया ये हैंड से ये इससे क्या करेगा छू के टच करके बताएगा कि क्या है ठीक है नेक्स्ट है इन लोग को फिर से रिपीट करा रहा है सब पिंकी चिंकी टिंकी रिंकी मिंकी सब खड़ी हो गई ठीक है ये फिर बता हम उसको बोले बताओ तो तुम लोग जो अभी पढ़ाए तो बता रहे आंटी बता रहे आंटी ये बोल रहे हैं ये देखिए आंटी मेरा आईज़ इससे मैं देखती हूँ लुक ये देखिए आंटी मेरा ईयर मेरा कान इससे मैं सुनती हूँ ये देखिए मेरा नोज इससे मैं स्मेल करती हूँ ये देखिए मेरा टंग इससे मैं टेस्ट लेती हूँ और ये देखिए आंटी मेरा हैंड इससे मैं टच करती हूँ आंटी ठीक बोले हम लोगों ने हाँ हाँ तुम लोग ठीक बोले हो अब भैया लोग बताएँगे देखते ये कैसे बताते ये भी बोल रहा मैं बताऊँगा मैं बताऊँगा मैं बताऊँगा अरे भाई आ रहे तुम लोग भी बताओ ये है कान ईयर ये बोल रहा है मैं इससे सुन रहा हूँ गाना सुन रहा है देख रहा है इसमें तीन मार्ग दिख रहा है ना ये गाना सुन रहा है तेज तेज ये सूंघ रहा है नोज एक तो, तो लंबा सा नोज बना दिया साहब ने और ये हैंड बता रहा है हैंड जिससे क्या करता है टच ठीक है चलो आगे बढ़े अभी हम लोग बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ लिए ना अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे गुड हैबिट्स हमारा दूसरा टॉपिक आज क्या था गुड हैबिट्स देखिए इसमें थोड़ा सा हम पहले बता रहे हैं छोटा-छोटा इमेज देके ये देखो भैया हाथ धो रहे है, हैंड वॉश कर रहे हैं हाँ ये पिंकी जो है ये क्या करें डस्टिंग करके जो घर में जो कूड़ा निकला ना डस्ट निकला उसको देखिए ऐसे हैंडल वाला स्टिक वाला एक टू तो ट्रे में लेके वो डस्टबिन में डालेगी गुड गर्ल ये भी गुड बॉय और ये क्या कर रहा है छोटा बेबी को गोदी में लिया छोटे बेबी गिर जाएगी ना भी चल नहीं पाती ये गुड हैबिट्स है हम सब के अंदर गुड हैबिट्स होना चाहिए ये देखो प्लांटेशन कर रहे हैं प्लांट्स लगाना चाहिए ना घर में प्लांट्स लगा है आप लोग का किस किस का कौन कौन सा प्लांट्स लगा कमेंट बॉक्स में बताना नहीं लगा तो अभी जाके लगाओ ये देखो भैया का ग्लास से कुछ गिर गया था पानी तो ये क्या कर रहा है पहले हैंड ग्लव्स पहने हैं उसके बाद उसको साफ कर रहे हैं नहीं तो कोई भी फिसल के गिर जाएंगे ना ये है गुड हैबिट्स ये देखो मम्मा के साथ थोड़ा सा काम कर रही है पिंकी बोले मम्मा तक जाती है तो अभी उसने ब्रेकफास्ट किया तो थोड़ा सा उसको धो के रख दे रही ठीक ये है गुड हैबिट्स ये सब लोग गुड बॉय गुड गर्ल चलो आगे बढ़ते हो ये देखो दीदी जो है स्टूल में खड़े होकर हैंड वॉश कर रहे हैं और इन लोग भी खड़े हैं दीदी गुस्सा हो गए इन लोग को बोले तुम लोग आओ हैंड वॉश करो हैंड वॉश करो इन लोग आ नहीं रहे थे अब पीछे आके चुपचाप खड़े हो गए तो दीदी गुस्सा हो गई तो इन लोग बोले दीदी गुस्सा मत हो हम लोग आ गए हैं अब देखिए गुड हैबिट्स में और आ रहा है ये देखिए ये भी पिंकी क्या कर रहे हैंड वॉश कर रहे ये नई नई कर रहे हैं नहा रहे हैं ये डस्टबिन में कचरा डाल रहा है अभी उनको बनाना मिला था खाने के लिए केले का छिलका तो जाके केला खाए पिंकी और जाके डस्टबिन में डाल दिए देखो डस्टबिन में डाल रहे ग्रीन कलर का ना ये डस्टबिन है ये देखो भैया शाम को खेलने जा रहे फुटबॉल लेके ठीक ये देखो भैया येलो हाफ टी शर्ट क्या पहने हाफ बनियान पहने गेंजी और उसके साथ शर्ट पहना है ये देखो शूज सॉक्स सब पहना है खेलते जाते समय ऐसे तैयार होकर जाना है ठीक ये देखो ब्रश कर रहा है कितना पूरा टित निकाल दिया ये तो हाथ में गिलास में पानी है उससे टित साफ करेंगे फिर मुंह जो है क्लीन करेंगे ये देखो सो गए थक के सो गया लग रहा कुछ ड्रीम देख रहे हैं हंस रहा है ये तो सोते सोते ठीक है ये देखो हंस रहा है अभी ये देखो दीदी फिर से आ गई याद दिलाने के लिए तुम लोग हैंड वॉश किए कि नहीं मैं देखो फिर कर रही हूँ तुम लोग देख लो भूलना नहीं और देखिए ये जो सो रहा है ना ये सोने के ऊपर इसका पापा इसको क्या बोल रहा है देखो पोयम से ये सो रहा है एक तो चादर ओढ़ लिया चेक चेक वाला चादर है इसका घड़ी है ये उसका बड़ा वाला भाई है लग रहा है। पापा है कि बड़ा भाई है देखो कौन ये कौन सा पोयम सुना रहा देखो पढ़, पढ़ के सुनाते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइस मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस जल्दी सोना है और जल्दी उठना है उससे क्या बनेगा स्वस्थ बुद्धिमान और तेज बनेगा देखो अभी पिक्चर में बता रही है। देखो पिंकी सो रही है अर्ली टू बेड अपना टाइम से पढ़ाई करके डिनर करके फिर टीथ वॉश करके ये क्या कर रहा है सो रहे हैं पिंकी सो गई उसके साथ उसका ये देखो इसका टॉय भी सो गई है ये कौन है बियर है ये देखो सो रहा है ये भी सो गया टाइम से तो देखो जल्दी सोना है जल्दी उठना है तो फिर कैसे बनेंगे ये हेल्दी वेल्दी अनवाइस ये देखो बन गया हेल्दी वेल्दी वाइस ये देखो बैग लेके अब स्कूल जाने की तैयारी हो गई इसकी नेक्स्ट है ब्रश योर टीथ अभी बता रहे थे ना आपको टीथ ब्रश करना उसके ऊपर भी एक पोएम है हमने आपको पहले बताया था कि हम बीच बीच में पोएम भी आपको बताएंगे ठीक देखिए ब्रश के लिए ब्रश करते करते ये वाला पोयम भी बोलते जाना तब याद भी रहेगा ब्रश 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 योर टीथ ब्रश देम डे दे। फादर मदर ब्रदर सिस्टर ब्रश देम एवरी डे दे। मतलब सब लोग को बोल रहे हैं मम्मी पापा भैया दीदी सब लोग क्या करो रोज ब्रश करो कोम 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 योर हेयर कोम मतलब क्या करना है बालों में कंगी ये देखो कर रही है पिंकी ये ड्रेसिंग टेबिल कॉम 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 योर हेयर कॉम इट एवरी डे फादर मदर ब्रदर सिस्टर कॉम इट एवरीडे रोज बाल में कंघी नहीं करने से क्या होगा उलझन हो जाएगा जब स्कूल जाते समय मम्मी क्या बनाएंगी चोटी बनाएंगी तो आपको रोज नहीं ना मम्मी ने करिए लग रहा है मेरे को लग रहा है तो रोज़ बाल में कंघी करके रखने से क्या है क्या होता है बाल में उलझन नहीं पड़ता है वॉश वाश वाश योर फेस वाश एवरी एवरीडे फादर मदर सिस्टर ब्रदर वॉश एवरी वॉश देखो बाहर से आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं फेस वॉश करते हैं ना क्योंकि बाहर घूम के आने से डस्ट वग़ैरह फेस में लग जाता है तो स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है पॉल्यूशन से डस्ट से इसलिए बाहर से आने के बाद अच्छे से फेस जो है वॉश करके पोछ के फिर रखना चाहिए चलिए नेक्स्ट आता है फिर हम रिपीट कर दे रहे गुड हैबिट्स ये देखो भैया टीथ में देखो पूरा सारा टीथ निकाल के ब्रश कर रहा है ये देखो पिंकी हाथ धो रही है ये अर्ली टू बेड अर्ली टू में सो रहा है देखो सो के उठ के ये योगा कर रहे हैं टच फिट टच करके कमर में एक हाथ दे के और थोड़ा झुकना था पर ये झुक नहीं पा रहा बोले मैं नहीं झुक पा रहा मेरे कमर में लग रहा है ये देखो ये ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठ गए ये नहा रहा है खुद बस स्टॉप में बैठ के शैम्पू लगा के ये देखो केला खाई थी ना पिंकी फिर देखो छिलका डाल ये हमने आपको फिर से रिपीट करा दिया जो पहले पढ़ाए थे ना वो वाला ठीक चलो अब ये क्या बोल रहा है मेंढक राजा हु क्लास खत्म आज का क्लास खत्म ऐसा बोल रहा है ये भी बोल रहा है हु चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करते आंटी को बोलते हैं हम लोग को आगे क्या बताना है ठीक अब सब हु करके पिंकी भैया सब लोग डांस करने लगे आज का हो गया आज का हो गया चलो बच्चे आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा आज का सब्जेक्ट टॉपिक क्या कैसा लगा और क्या आप लोग को जानना है आंटी को कमेंट करके बताना और दो ब्लॉग हम आप लोग के लिए बनाएंगे उसके बाद बड़े वाले भैया और दीदी लोग के लिए बनाएंगे ठीक है ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग